स्कूल का जो है वार्षिक उत्सव है, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए हैं जो हमारे सभ्यता और संस्कृति के अनुसार जिस क्षेत्र में ये विद्यालय है उसी सभ्यता के अनुसार उसी संस्कृति के अनुसार बच्चों के जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और सभी माता पिता को बुलाया गया और बच्चों के अच्छे अच्छे संस्कारों के कारण स्कूल में। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बच्चों को जो है ना हमारी जो मातृभाषा हिंदी है और हमारी जो वो सभी भाषाओं की रानी जो संस्कृति है उनके जो श्लोक और उनमें जो मंत्र वगैरह होते हैं उनके दो दोहे होते हैं जो हमारे कवियों ने लिखे हैं वो उन कवियों के दोहों के द्वारा इन बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। जब दोहा कोई पढ़ते हैं जाते या कोई श्लोक पढ़ते हैं ये सामने विद्या तपूर दानम ज्ञानम थीलम गुरुन धर्मा ते मृत लोके व्यवहार भूता मनुष्य रूप मृगा करण थी और साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पथ पुष्प विषाणहीना, इस तरह के जब हम जो है उनके जब अर्थ बच्चों को बताते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे संस्कारी बनते हैं कि हमें साहित्य से ध्यान रखना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, माता पिता के हमें आदर सम्मान करना चाहिए। और जब हमारे बच्चा पढ़ लिख करके जाता है और माता पिता और हमारे देश और समाज का जब ध्यान नहीं रखेगा तो उनको क्या शिक्षा दी मैंने, उनको क्या विद्या दी है? विद्या पढ़ करके तो डॉक्टर भी बनते हो, किडनी बेचते हैं, कोई ब्लड निकाल लेते हैं, कोई कुछ करते हैं। तो इस तरह जो है हमारे बच्चे जो है ऐसे होने चाहिए जो कि समाज को बनाए, देश को विकास की तरफ ले जाए, ये नहीं कि लूटते रहे और चलते रहे ऐसे जैसे चल रहा है आज के समय। फ्रेंड्स, नए सेशन के लिए कहना है कि बच्चों को यहाँ अधिक से अधिक आप एडमिशन कराएं, दाखिला दिलवाएं और फिर उसके बाद आगे जो हम इनको शिक्षा विद्या देंगे उससे आपको पता चलेगा कि वास्तव में सिटी कार्न स्कूल में अच्छे अच्छे संस्कार दिए जाते हैं जिससे देश और समाज और परिवार विकास करते हैं। इसी के कारण जो है मैं सभी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप आएँ, जितनी आप संस्थाएँ तो कहीं किसी स्कूल किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, माता पिता और बच्चे और शिक्षकगण और मैं सब लोग मिल करके जब करते तब कोई एक विद्यालय का स्थापना होती है, तभी मिलकर के चलाते हैं तभी एक। वेद आर्य और मैं गुरुग्राम सेक्टर 7 से हूँ और मेरा समाज सेवा आदि का कार्य रहता है, अनेक स्कूलों में मेरा जाना रहता है और धर्म के कार्यों को करने में मेरी रुचि है और उसी के लिए मैं समाज सेवा में अपना सारा समय निकालता हूँ। वैसे मैं बैंक से रिटायर हूँ और अब सारा समय मेरा केवल इन्हीं कार्यों के लिए। देखो, स्कूलों में शिक्षा की जहाँ तक बात है कि क्योंकि जो विद्या दी जाती है अर्थात जो पढ़ाई कराई जाती है वो सब स्कूलों में बराबर है, स्कूल छोटा है या बड़ा है। हाँ, जो बड़े स्कूल आज गुरुग्राम के अंदर खुले हुए हैं उनके अंदर अनेक सुविधाएं हो सकती हैं, वहाँ पर बस एसी हो सकती है, कमरे एसी हो सकते हैं, वहाँ पर अनेक प्रकार की अन्य अन्य सुविधाएं हो सकती हैं। परंतु विद्या के क्षेत्र में जहाँ तक की बात है छोटे स्कूलों में कम विद्या नहीं मिलती, क्योंकि जो विद्या के साथ संस्कार जो दिए जाते हैं वो बच्चों के लिए अति आवश्यक है। अगर हम बड़े स्कूलों में देखें अनेक बार ऐसी खबरें आती हैं वहाँ बच्चे नशे आदि के आदि हो जाते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे दुर्व्यसन आदि उनके साथ लग जाते हैं जो जीवन को बर्बाद करने वाले होते हैं। उन स्कूलों के अंदर ना तो कोई माता पिता की सेवा ना समाज आदि के कल्याण के लिए इस तरह की कोई शिक्षा दी जाती है। परंतु जैसा मैं सिटी कॉन्वेंट स्कूल में कई बार आने का मुझे मौका मिला है, यहाँ की कई शाखाएँ चलती हैं, उन सभी स्कूलों के अंदर एक विशेष बात मैंने देखने को मिली कि यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ अर्थात जो स्कूली शिक्षा है, पुस्तकीय जो शिक्षा है, बुकिश जो नॉलेज है, उसके साथ साथ सभी अधिकारी वर्ग, सभी अध्यापकगण, सभी टीचर्स यहाँ के संस्कारों पर बड़ा विशेष ध्यान देते हैं। यहाँ पर साप्ताहिक यज्ञ किया जाता है, वेद के मंत्रों से किया जाता है, अनेक विद्वानों को यहाँ बुलाया जाता है और इन्हीं कारणों से अभी मैं पीछे एक चर्चा कर रहा था कि राम इन्हीं बच्चों में से निकल सकते हैं। ये जो संस्कार हैं ये बच्चों को स्कूल से पहले शुरू किए जाते हैं, माता पिता इसके ऊपर ध्यान रखें, उसके बाद स्कूल में आने के बाद फिर अध्यापक का कर्तव्य बनता है, टीचर्स का कर्तव्य बनता है कि बच्चों को संस्कार दें और एक दृष्टिकोण उनके ऊपर रखें कि बच्चा किसी कारण से, क्योंकि बच्चा अन्य बच्चों के साथ भी खेलता है, गली मोहल्ले में भी जाता है, रिश्तेदारी और संबंधियों के यहाँ भी जाता है, तो वह बच्चा कोई गलत कार्य तो नहीं सीख रहा, कोई गलत आदत तो उसके अंदर नहीं है, कोई दुर्व्यसन तो वह नहीं सीख रहा है, उसकी वाणी के अंदर कोई इस तरह की शब्द तो नहीं है जो हमारे लिए हानिकारक है। अर्थात शिक्षा के साथ साथ विद्या के साथ साथ शिक्षा पर भी अति आवश्यक है कि उस पर जोर दिया जाए और उसके लिए अभिभावक और टीचर्स
सामूहिक प्रयास करेंगे तो इस उद्देश्य को हम पूरा कर ले जाते हैं। और यही भारतीय परंपरा रही है, यही ऋषि मुनियों की परंपरा रही है और यही हमारी सनातन की परंपरा रही है कि हम बच्चों को उनके जन्म के बाद से ही संस्कारित किया जाता है और उसी के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।